हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की रेविट्री क्लास के अंदर। ये हमारी फोर्थ क्लास है। अगर आपने अब तक पीछे की तीन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाके जो है दोस्तों उनको देख सकते हैं और सीख सकते हैं पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या सीखा है। और आज की क्लास में हम लोग इस तरह जो फुटिंग होती हैं या ब्रिक वर्क होता है उनको कैसे क्रिएट करते हैं वो जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इंजीनियर्स, कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं कैसे हम लोग स्टेप्ड फुटिंग या ब्रिक वर्क को बनाते हैं। तो उसके लिए हम नई फाइल खोलेंगे। नई फाइल में जाकर कंस्ट्रक्शन टैब में जाएंगे। यहाँ से हम लोग डिफॉल्ट मैट्रिक और ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। ये हमारी नई फाइल ओपन हो चुकी है, नई शीट हमारी ओपन हो चुकी है। अभी हम क्या करते हैं, एक ब्रिक वॉल को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब 3D व्यू में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये वॉल दिखाई देगी। इसको अगर आप रियलिस्टिक में देखना चाहते हैं 3D में, तो रियलिस्टिक में आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी जो हम स्टेप्ड ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्ट कर रहे थे वो करते हैं, ठीक है। तो इस वॉल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे और यहाँ से पहले हम इसका जो है मॉडिफाई में जाके अपना जो मॉडिफाई टाइप में यहाँ से हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर ए वॉल दे देते हैं। ए वॉल सबसे नीचे वाली रहेगी, ठीक है। ए वॉल सबसे हमारी नीचे वाली रहेगी। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया डुप्लीकेट का नाम और इसकी हम लोग चौड़ाई रख देते हैं सबसे नीचे वाले की 600 रख देते हैं। 600 यहाँ पे थिकनेस में दिखा रहा ना, तो थिकनेस नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली ये विड्थ है, ठीक है। और हाइट इसकी हम लोग कर देते हैं 300 mm, ठीक है। हाइट इसकी हमने 300 mm कर दिया, ओके कर देना है। फिर हमने एक और डुप्लीकेट करना है, इसको नाम देंगे हम बी, ठीक। इसको नाम दे दिया हमने, बी का नाम दे दिया, ओके करना है। इसका जो है इसकी भी डिटेल चेंज कर देते हैं, इसकी 600 की जगह 450 कर देते हैं। हाइट सेम ही रखते हैं 300 mm, ओके कर देते हैं। फिर एक और क्रिएट करते हैं, कौन सी, सी, ठीक है, ओके। और फिर इसकी भी सेटिंग चेंज कर दीजिए, इसकी जो थिकनेस है वो कर दीजिए 230 और हाइट 300 रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ से जो है ना आपको फैमिली चेंज करना है। आपको फैमिली में क्या करना है, स्टैक्ड वॉल फैमिली। तो जब स्टैक्ड वॉल फैमिली में जाएंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिखाई देगा व्यू प्रीव्यू में। और यहाँ पर जो है आपको स्ट्रक्चर में चेंज कर देना है। स्ट्रक्चर में आप पहले इंसर्ट कर दीजिए दो। अब यहाँ पर जो है सबसे टॉप में कौन सी आएगी आपकी, सी आएगी। सबसे टॉप में सी आएगी, उसके नीचे कौन सी आएगी, बी आएगी, ठीक है। और सबसे नीचे आएगी आपकी ए, ठीक है, सबसे पहले जो हमने चूज़ किया था। अब इनकी हाइट जो है ना आप यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं। आप इसकी 300 हमारी तो थी, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसकी 300 कर देंगे, वेरिएबल रहेगी ये वाली 300 कर देंगे, ठीक है। ये वाली 300 कर दिया आपने, ओके। तो कुछ इस तरह से जो है ना अब हमारी जो है, देखिए यहाँ पर जो है ना अभी ये 6000 mm क्यों है, क्योंकि हमारे को टोटल हाइट कितनी चाहिए, 900 mm चाहिए। तीनों को मिला के हमारी 900 mm चाहिए। तो ये इस तरह से आपकी वॉल आ जाएगी, ठीक। इसको ओके कर दीजिएगा और इसको अप्लाई और ओके कर दीजिएगा। अब हम इस वॉल को करते हैं डिलीट, ठीक। और यहाँ चलते हैं एलिवेशंस के अंदर और साइड से। अब देखिए यहाँ पर जब आप एक वॉल, हम लोग वॉल क्रिएट करेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं यहाँ से साइड पे और यहाँ पर जो है फ्लोर प्लान में चलते हैं एक बारी और यहाँ पर जो है हम एक वॉल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंपल आपके लिए एक वॉल क्रिएट कर देते हैं, ठीक। वॉल जो है ना आपकी, अब आपने एक वॉल जो ली है, अब इसका सेक्शन देखिए ये कुछ इस तरह से। लेकिन हमें ये वॉल में प्रॉपर्टी में क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टैक्ड वॉल, ठीक है। हमें क्या चीज़, कौन सी चाहिए, हमें यहाँ पर स्टैक्ड वॉल चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग स्टैक्ड वॉल कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। देखिए ये आपकी स्टैक्ड वॉल हो चुकी है। लेकिन वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रही है कि आपकी जो बीच वाली है ना इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लेवल और क्रिएट कर देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। यहाँ पर लेवल और एक क्रिएट कर देते हैं और इसका लेवल दे देते हैं -900। कितना, -900, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका, इस वॉल का हम लोग टॉप बेस कॉन्स्टेंट देते हैं -3 लेवल पे और टॉप कॉन्स्टेंट देते हैं कौन सा, लेवल 1, ठीक है, लेवल 1। तो आप देखिएगा, देखिए अब हमने जो वॉल बनाई है ना वो ठीक इसके अंदर आ चुकी है हमारी, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, आपकी एक स्टेप्ड वॉल हो गई। अब हम इसको करते हैं डिलीट, प्लान में चलते हैं और यहाँ पर हम एक ना पूरा बाउंड्री, चारों तरफ की बाउंड्री वॉल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लेवल और क्रिएट कर देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। यहाँ पर लेवल और एक क्रिएट कर देते हैं और इसका लेवल दे देते हैं -900। कितना, -900, ठीक है। तो यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ से हम लोग एक ही बारी में जो है सारे के सारे वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब एलिवेशन में चलते हैं, यहाँ से जो है हम लोग सारी वॉल्स को क्रिएट सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हम लोग बेस कॉन्स्टेंट रखते हैं -3 और टॉप कॉन्स्टेंट रखते हैं -1, लेवल 1, ठीक है, ओके। देखिए तो यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ से हम लोग एक ही बारी में जो है सारे के सारे वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी सारी वॉल जो है ना स्टैक्ड वॉल हो चुकी है। देखिए देखिए इस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, स्टेप्ड फाउंडेशन कंक्रीट की या ब्रिक वर्क की आप बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से आप जो है क्रिएट कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप अपनी स्विमिंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर स्विमर्स अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर स्विमर्स आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बैंडिंग, शेड्यूल, रेटल, सीबीयू की प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं, क्यों किसी के लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविलिंग स्किल्स को, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप पांचवी से लेकर डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स तक क्यों नहीं है, सीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन करने, ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पीआईएफसी को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।